हेलो एवरीवन, इंडिया में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इस वक्त लीडर है बायजूस, उन्होंने यूएस बेस्ड किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को 500 मिलियन डॉलर्स में कैश एंड स्टॉक डील में एक्वायर कर लिया। ये जो डील है बायजूस के लिए सेकंड बिगेस्ट बायआउट होने वाला है, जहां पे इस साल के शुरुआत में ही ब्रेक एंड मोर्टार कोचिंग नेटवर्क आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस ने नियरली 1 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि बायजूस ने ये जो एपिक को एक्वायर किया है, ये बायजूस के बिजनेस प्लान के अंदर ही आता है, जहां पे इंडिया में अपनी पकड़ बनाने के बाद बायजूस का प्लान ये है कि वो जो ओवरसीज मार्केट है उसमें अपने आप को एक्सपैंड करने वाले। इसके साथ ही बायजूस के को फाउंडर बायजू रविंद्रन का ये कहना है कि वो लोग इस फाइनेंशियल ईयर में ओवरसीज मार्केट से लगभग 300 मिलियन डॉलर्स इन रेवेन्यू जो है उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बायजूस ने 2019 में यूएस बेस्ड एजुकेशनल गेम्स मेकर ऑस्मो को 120 मिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया था। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले कपल ऑफ इयर्स में वो लोग नॉर्थ अमेरिका में 1 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। एपिक, जो कि एक पॉपुलर डिजिटल बुक प्लेटफॉर्म है, उसकी शुरुआत सुरेन मार्कोजियन और केविन डोनाह्यू ने की थी। इसके साथ ही एपिक के पास आज के टाइम पे 50 मिलियन यूजर्स यहाँ पे मौजूद है। ये जो डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको पर्टिकुलरली 12 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे ये जो एपिक प्लेटफॉर्म है इसमें आज के टाइम पे 40,000 से ज़्यादा पॉपुलर बुक्स, वीडियोज़ और ऑडियो बुक्स का एक कलेक्शन भी मौजूद है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एपिक के एक्विजिशन से किस तरीके से बायजू को हेल्प मिलने वाली है। तो बायजूस जो है वो ऑलरेडी यूएस में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने को देख रहा है, वहीं पे एपिक के पास ऑलरेडी 2 मिलियन टीचर्स और 50 मिलियन किड्स का एक एग्जिस्टिंग यूज़र बेस मौजूद है, जिसको इस एक्विजिशन के बाद बायजूस जो है वो लेवरेज करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बायजूस जो है वो पिछले साल से ही एक फंड रेजिंग स्प्री पे चल रहा है, और वो जितने भी फंड्स को रेज कर रहा है उन्हीं फंड्स को ये जो एक्विजिशंस है उनको करने में भी हेल्प कर रहा है, जहां पे साल 2020 में बायजूस ने ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से 1 बिलियन डॉलर्स रेज किए थे। इसके साथ ही 2021 में भी कुछ महीने पहले ही बायजूस ने यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर्स रेज किए, जहाँ पे उन्होंने इस अमाउंट को यूएसबी ग्रुप, ब्लैकस्टोन, आबू धाबी सॉवरेन फंड के एडीक्यू से यहाँ पे रेज किया था। बायजू रविंद्रन का ये कहना है कि कुछ नए मार्केट्स में वो लोग जो है ग्रोथ फेज में होने वाले हैं, जहाँ पे जो मोटा पैसा है वो लोग सेक्टर अवेयरनेस और ब्रांड बिल्डिंग में खर्च करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने इंडिया में किया है। वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशंस की मदद से वो लोग जो है कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स को अपने टोटल रेवेन्यू और एक लार्ज जो यूज़र बेस है उसमें आने वाले महीनों में ऐड करते जाएंगे। बायजूस जो है वो आज के टाइम पे एक वेल कैपिटलाइज्ड कंपनी है, जहाँ पे बायजूस का जो इंडिया बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है। इसके साथ ही उनके हाथ में जो है वो खूब सारा कैश भी मौजूद है। बायजूस ने इस साल के अप्रैल के महीने में ही फ्यूचर स्कूल को भी यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के सेशन को यहाँ पे ऑफर करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अभी यूएस, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स में लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो बच्चों के लिए कोडिंग प्लेटफॉर्म है व्हाइट हैट जूनियर, वो भी यहाँ पे जो एक नए प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। इंडिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर अडॉप्शन है वो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है। इसके साथ ही अब क्योंकि बायजूस जो है अपने आप को ओवरसीज मार्केट में भी एक्सपेंड कर रहा है, तो बायजूस यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अपने रेवेन्यू को वो डबल कर देगा, जहाँ पे कुछ अनुमान तो ये भी लगाए गए हैं कि बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 में तकरीबन 5,600 करोड़ रुपीज़ इन रेवेन्यू जो है उसको भी रिकॉर्ड किया है। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ तो ये भी आई है कि बायजूस यहाँ पे ग्रेड अप और ग्रेट लर्निंग को एक्वायर करने की जो बातचीत है उसको भी कर रहा है। इसके साथ ही सोर्सेज का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको जो है यहाँ पे जो बायजूस ने टॉपर के साथ डील की है उसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे टॉप टियर स्टार्टअप्स और जो टेक कंपनीज जैसे कि जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया या फिर मोबीक्विक हो गया, वो लोग यहाँ पे पब्लिक जारी है या फिर कुछ अभी उस प्रोसेस में है जहाँ पे बहुत जल्द वो लोग यहाँ पे पब्लिक जाने वाली है, बायजूस के कोफाउंडर बायजू रविंद्रन का ये कहना है कि जो बायजूस है वो भी अपने आईपीओ को निकालने की बात अभी जो है वो देख रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई
आने वाले 15 से 18 महीने के बीच में वो लोग शायद इस डिसीजन को ले कि वो लोग IPO निकालेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि ये अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट मार्केट है उसमें अभी भी इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जहाँ पे वो लोग जो है बायजूस में अभी भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस COVID-19 के पैंडेमिक के वजह से जो इंडिया का एडटेक सेक्टर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज में से रहा है, जहाँ पे जो ई लर्निंग के प्रति जो एक अडॉप्शन रेट था उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इसके साथ ही वेंचर इंटेलिजेंस डाटा का ये भी कहना है कि एडटेक स्टार्टअप्स ने 2020 में $2.2 बिलियन यहाँ पे क्यूमुलेटिवली रेज किए हैं, जहाँ पे ये आंकड़ा 2019 में $553 मिलियन का था। इसके साथ ही कुछ रिसेंट की रिपोर्ट्स में ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि आने वाले 10 साल में इंडिया का जो एडटेक सेक्टर है वो $30 बिलियन की इंडस्ट्री भी बन जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बायजूस ने इंडिया में एडटेक सेक्टर में यहाँ पे अपनी जगह बना ली है, वो लीडर बन गया है, आने वाले वक्त में US के मार्केट में और बाकी जगहों पे भी वो जिस तरीके से उसके प्लान्स एक्सपेंशन के वो मार्केट लीडर बन पाएगा। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वहीं पे हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, जो ब्रांड्स के फाउंडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी लेके आ रहे हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।